And the Booker Prize for this year goes to Mr. Shaukat Vashisht for Mindscape. Outstanding. Ordinary is not for Shaukat. C'est magnifique. Merci. शौकत ने लेखन को नई परिभाषा दी जो मैं ही बदलूंगा। आपको शायद मजाक लगे लेकिन कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं बचे। शब्दों ने तो अपनी मंजिल ढूंढ ली। मेरे सफर में फिर एक नई शुरुआत होगी। मैं फिर शब्दों की नई नियति लिखूंगा। शायद कहना भूल गया। शुक्रिया। शौकत के अगले उपन्यास का इंतजार रहेगा। अनुभव की कमी है शौकत के नए उपन्यास में। अनुभव अलग हो सकते हैं, कमियां ज्यादा नहीं। चौराहे पर शौकत का वक्त रुका और उसके शब्द भटक गए। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। It's too far from reality, but it's not a fantasy. आप बताइए सच्चाई क्या है? Nothing much. What is reality? शौकत की आइसोलेटेड जिंदगी का असर उसके पात्रों पर। अनुभव की कमी है इसलिए झूठे लगते हैं। अपने आप को झुठलाने की हमारी आदत है। मैं लिखने के लिए नहीं लिखता, जीने के लिए लिखता हूँ। मैं फिर लिखूंगा, बार बार लिखूंगा और ये साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे पात्र झूठे नहीं। Neither real nor engaging. Lies all the way. शौकत वशिष्ठ का उपन्यास मात्र झूठ है। प्यारी बात। सच अगर ये है तो झूठ क्या है? झूठ। सिर्फ झूठे किस्से कुछ नहीं। शौकत वशिष्ठ का उपन्यास मात्र। Silence! मैं तैयार हूं अंतरा। हमेशा की तरह। शौकत, आज शाम हम कहीं घूमने चले। लिखने के लिए तैयार हूं। नया नॉवल? अच्छा, जस्ट हेल्प विद दिस ना। पता है कल कॉलेज में फिर वही मजा आएगा। फिर अपने किरदारों के साथ जीऊंगा मरूंगा, फिर एक बिल्कुल नई दुनिया। काश तुम भी एक्सपीरियंस कर पाती। क्या नाम रखा है आपने और सब्जेक्ट? ये देखो, ये इडियट धोबी स्त्री भी नहीं कर रहा था इसे। रमाकांत, ऐसा क्यों होता है अंतरा? काम को लेकर देयर इज नो पैशन। कोई भी कुछ भी करने लग जाता है। काम सिर्फ काम होता है क्या? आप नॉवल के बारे में बता रहे थे। डरो मत, मैं रमाकांत को नहीं डांटूंगा। और वैसे भी आज नॉवल के बारे में बताने जैसा कुछ नहीं है। आज लिखना जरूर शुरू करूंगा। पूरे 2 साल बाद। शौकत, ये तुम बताओ क्या पहनूं मैं? तुम ही बताओ क्या पहनूं मैं? दो साल बाद आज तो शुरुआत होगी ही। रमाकांत आया साहब।
क्या ये? किसने किया ये? मैंने किया है। अच्छा लग रहा है ना आप? माफ करिए साहब, आज पहला दिन है ना। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? जी मेरी बीबी है, इसी गलती मेरी गलती हुई ना। ठीक ही तो कह रहे हैं, मैं माफी मांग लूंगी, लेकिन पता तो चले कि गलती क्या है। मुझे तो इन्होंने बोला था सफाई करने के लिए, सफाई कर दी, इसमें गलती क्या हो गई? नहीं जानती थी, पहला दिन है। अगली बार गलती हुई तो? नहीं होगी बाबा, लेकिन पता तो चले कि गलती क्या है। वो क्या है ना रजनी, मैं बताता हूँ। अगर कोई तुम्हारी किचन में जाकर कढ़ाई की जगह पतीला रख दे और पतीले की जगह कुकर, तो तुम्हें कैसा लगेगा? एग्जैक्टली अंतरा, जाते जाते दरवाजा लगा देना। रजनी, स्टडी में जो चीज जहां है उसे वही रहने दो, झाड़ू पोछा करना बस, और कुछ नहीं, समझी? मतलब सब तितर बितर रहने दूं? चलो चलो चलो, ठीक है। मेरे किचन में कुछ इधर से उधर हो जाता है ना, मैं इनको भी डांट पिला देती हूँ। सुनो, तुम अपने पति को भी डांट पिला देती हो? हाँ, अगर उनकी गलती होती है तो। लेकिन किसकी गलती होती है ये कौन डिसाइड करता है? गुड मॉर्निंग वॉलरस पब्लिकेशंस, कैन आई स्पीक टू मिसेस बोस प्लीज? हेलो, हाय मीरा, कैसी हो? हमेशा की तरह डिससैटिस्फाइड? शौकत बोल रहा हूँ, शौकत विशिष्ट। आज मैं अपनी अगली किताब शुरू कर रहा हूँ। सब्जेक्ट, वक्त आने पर पता चल जाएगा मिसेस बोस। मैं मिसेस बोस नहीं हूँ। तो मिसेस बोस कहाँ है? मिसेस बोस इस समय ऑफिस में नहीं है। ओह, मिसेस बोस इज नॉट इन द ऑफिस। ठीक है, कह दीजिएगा कि शौकत का फोन आया था, सुनकर खुश हो जाएंगी। और ये दुनिया कमबख्त, लोग यूं बदल जाते हैं कामयाबी के साथ। औरत, कोई समझ नहीं पाया औरत को, क्या मैं समझ पाया हूं? इस बार एक औरत की कहानी लिखूंगा, व्हाई नॉट? उसका मन, उसकी इच्छाएं रिश्तों में बटी हुई नहीं, सिर्फ वो और उसकी कहानी। कौन है वो? अरे सुनो तो। बोलो तो। अरे गिर पड़ोगी। इतना डरते क्यों हो? डरता कौन है? इतने सालों से काम कर रहे हो फिर भी इतना डरते हो? खा थोड़े जाएंगे वो, और खाएंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे? तुम समझते नहीं हो, और तुम समझ समझ कर उम्र से पहले बुढ़े हो गए हो। अरे रे रे, साहब अगर डिस्टर्ब होगा ना, नाराज हो जाएंगे। खड़े रहो यहाँ पर। पकड़ो, खड़े रहो यहीं, और तुझसे भी ज्यादा डरपोक है। ये बीवी है? एक औरत, बड़ी बड़ी टपटपाती आंखें या छोटी छोटी शरारती आंखें, बाल उलझे उलझे या सुलझे सुलझे हंसी गुम चेहरा गुमसुम या चेहरा मुस्कुराता हुआ सूरज, सात समुंदर पार से आई है या सात समुंदर पार जाने की तमन्ना है? तमन्ना, तमन्ना, तमन्ना। Thank you.
तमन्ना, चाहत, डिजायर। हाय तमन्ना। मैं शौकत, मेरे साथ चलोगी? चलो हम दोनों मिलकर तुम्हारी कहानी लिखते हैं, देखें क्या होता है। तमन्ना अच्छा नाम है। तमन्ना कहाँ जा रही हो? साथ चलने के लिए कहा था, तुम तो आगे आगे चलने लगी। कहां ले जा रही हो तुम? नए सफर पे? ग्रेट। कुछ कहना चाहती हो तुम मुझसे? टॉक टू मी, बात करो मुझसे तमन्ना। क्या अच्छा लगता है तुम्हें? तुम खुश हो, उदास हो, नाराज हो, चाहती क्या हो तुम जिंदगी से तमन्ना? चौली दूधी, क्या होगा इतनी सारी सब्जियों का? घबराना मत, तुम्हें नहीं बनाना पड़ेगा, तुम्हारी छुट्टी। रजनी खाना बनाने से नहीं घबराती, पर खाने वाला भी तो होना चाहिए। ये देखो। आपने खाना नहीं खाया? क्या मैंने पूछा आप देर से क्यों आई? वो तो मैं पेपर चेक कर रही थी, मैं जानता हूँ। क्या आप नहीं जानती कि जब मैं लिखता हूँ तो मुझे वक्त का अंदाजा नहीं होता? किचन में मदद करोगे? पता नहीं आपके दिमाग में ऐसे अच्छे आइडियाज कहाँ से आते हैं। It's so difficult to express freely. मैं मुझसे तो कोई मेरी जिंदगी के बारे में भी पूछे ना तो भी बता नहीं पाऊंगी। क्योंकि तुम कोशिश नहीं करती। कोशिश? मैं कुछ भी करूं एक लाइन नहीं लिख पाऊंगी। और वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कौन लोग? क्रिटिक्स। रियल व्यूअर मुझे नहीं पता, पर जो आपने लिखा है ना वो बहुत अच्छा है। जब खुद लिखना पड़े तब पता चलेगा रियल लिखना कितना मुश्किल होता है। इस बार जो आप लिखोगे ना तो सब चुप हो जाएंगे। वो लोग चुप हो जाएंगे तो तुम्हें खुशी होगी? आपकी खुशी मेरी खुशी? मेरी खुशी नहीं, अपनी खुशी। तुम किस काम से खुश होती हो? मैं यस संतर विशिष्ट, व्हाट मेक्स यू हैप्पी? हाँ, कुकिंग? हंसो मत, जवाब दो। इट मेक्स यू हैप्पी? हाँ, पता नहीं, कभी सोचा नहीं। सोचो अंतरा, सोचो। खाना पकाने से खुशी मिलती है तुम्हें? पूजा, कुकिंग इज लाइक अ प्रेयर। पूजा और लाइक थेरेपी। अच्छा, तुमने कभी कोई ऐसी चीज की जो नहीं करनी चाहिए थी? कितनी बार? आई डोंट मीन लड़ाई झगड़ा, दोस्ती, शिकायत, घर पे लेट आना, समथिंग बिगर अंतरा। ऐसी कोई चीज जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल गई हो? जिंदगी? शादी करके तुम्हें अफसोस नहीं हुआ कि तुम वो सब चीज नहीं कर सकती जो कर सकती थी? अफसोस शादी करके? तुम अपना घर, अपने मायके को मिस नहीं करती? डोंट यू वांट टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन? नहीं, मैं एक बहुत आम लड़की हूं शौकत, क्यों मेरी जिंदगी में अपनी कहानी ढूंढ रहे हो? कभी तुम्हारा दिल नहीं करता कि खुद को
मेरे अलावा किसी दूसरी नजर से देखने का? अच्छा, अगर पहली बार तुम्हें कोई मिले और कहे कि तुम जैसा कोई नहीं, तो किसी ने कहा? डरते हैं ना? कौन? स्टूडेंट्स। मतलब? मतलब ये कि अगर मैं तुम्हारा स्टूडेंट होता ना, तो रोज एक गुलाब देता। किसी ने दिया नहीं आते जाते? नहीं, और अगर देती भी ना, तब भी नहीं लेती। क्यों? ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैं लेक्चरर हूं और वो स्टूडेंट। मैं भी तो तुम्हारा लेक्चरर था। वो बात अलग है, आप मुझसे बड़े हैं। और अगर मैं छोटा होता तो? तो मेरे हस्बैंड प्रोफेसर होते हैं। गलत है, छोटा होना गलत है। पर मेरे लिए आपके अलावा किसी और से गुलाब लेना गलत है, क्योंकि मुझे आपसे बहुत प्यार है शौकत। I love you very much. गलत। यस, मुझे मेरा सब्जेक्ट मिल गया। नहीं नहीं, फॉरबिडन। ये जो फॉरबिडन है, मनाही है, यही मेरा थीम है। बंदिश कभी अच्छी नहीं लगती, और जिस चीज पर बंदिश हो वो अच्छी लगने लगती है। रिश्ते को नाम देना जितना मुश्किल होता है, रिश्ता उतना ही गहरा होता जाता है। ऐसा एक रिश्ता नहीं चाहोगी? हां तमन्ना, ऐसा ही रिश्ता चाहोगी तुम्हारे अंदर की तुम। फॉरबिडन, रिश्ता जो किसी और को मंजूर नहीं। शुरुआत 2 साल बाद। थैंक्स तमन्ना, थैंक्स। जिस्म तो सिर्फ एक बहाना है, रूह तक साथ साथ जाना है। हाथ जब से है तेरा हाथों में, समाना है।
लो शुरू अब चाहतों का सिलसिला हो रहा है, मिट रही है दूरियां और फासला खो रहा है, हो रही है बात कुछ ऐसी जिसमें, हो रही है बात कुछ ऐसी जिसमें शब्द गुम है अर्थ मतलब चुपके से खो रहा है। लो शुरू अब चाहतों का सिलसिला हो रहा है, मिट रही है दूरियां और फासला खो रहा है। देखो वो खो रहा है, लो शुरू अब चाहतों का सिलसिला हो रहा है, मिट रही है दूरियां और फासला खो रहा है। जो रहा है आज पूरा दिन ये तुम्हें महकाएंगे। आपका दिन भी बहुत अच्छा बीते। बीतेगा, आज कहानी जरूर रफ्तार पकड़ लेगी। चिक 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 और मैं एक अनजान सफर पर निकल पड़ूंगा। विश मी लक। ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर आज एक शुरुआत जरूर होगी। तमन्ना, मैंने आज अंतरा से वादा किया है कहानी रफ्तार पकड़ लेगी। कहानी का पहला मोड़ चाहत। किसी को चाह कर देखो तमन्ना, शहर की सड़कें बादल बन जाएंगी, तुम धरती पर खड़ी होकर आसमान को छू सकोगी। किसी के साथ उड़ो तमन्ना, कोशिश तो करो ना। एक्सक्यूज मी, आंखें खोलने से खुशबू गायब हो जाती है ना। बंद कीजिए, मैं बाद में पूछ लूंगा। इट्स ओके, कहो। स्टाफ रूम। कॉलेज में नए हो? जी। डॉक्टर त्रिपाठी, स्टूडेंट काउंसलर, वो स्टाफ रूम में नहीं है। हाँ, लेकिन स्टाफ रूम का है?
मैंने कहा ना डॉक्टर त्रिपाठी अपने ऑफिस में मिलेंगे। ओके नाउ मिस अंतरा। मिस अंतरा, मिस अंतरा स्टाफ रूम, स्टाफ रूम। डॉक्टर त्रिपाठी अपने ऑफिस में ही मिलेंगे। पकड़ लिया। विल यू मैरी मी? व्हाट? इस पोजीशन में यही कहते हैं ना। व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? साले गांव से। हु इज दिस मैन? क्या का चार भी नहीं लाया। हाय अंतरा। हां ओ मेरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? एक के ऊपर एक। नहीं 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 मैम, वो मेरे ऊपर है। मैं यहाँ पे टीचर हूँ। क्या? Don't tell me तुम टीचर हो? यश फोटोग्राफी। यस यस फोटोग्राफी। सुरेंद्र जी गेट आउट ऑफ हियर। सॉरी सर, सॉरी मैम। गेट आउट ऑफ हियर यू नर्ड। सॉरी सर, इट्स ओके। यू ऑट टू बी पनिश्ड। सॉरी मैम। वॉच आउट फॉर दिस गाइस, आई एम टेलिंग यू, गेट आउट। तुम इधर क्या कर रहे हो? चलो 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 चलो। वेलकम टू कॉलेज प्रोफेसर यश। लेकिन स्टाफ रूम, स्टाफ रूम, स्टाफ रूम, स्टाफ रूम। मैंने तुम्हें आजादी दी थी ना, फिर भी तुम अकेली हो तमन्ना। क्यों, किस बात का डर है तमन्ना? रिश्तों का कोई बंधन नहीं, तुम आजाद हो, आजाद। आजकल तो डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। हेलो, हाय मिस कुमारिया, प्लीज थोड़ा सा राइट, थैंक यू, थोड़ा सा लेफ्ट, थैंक यू वेरी मच, थोड़ा सा राइट, थैंक यू। हेलो हेलो मिस बोस, हाउ यू डूइंग? हेलो, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द ट्रबल। थोड़ा सा, लिटिल मोर, ओह थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, हेलो, हाय, मैं स्टूडेंट नहीं टीचर हूँ, यश। आई एम भार्गवा, इसे रहने दो, आपका तो हाथ प्लास्टर में है। नहीं, ये हाथ कब का ठीक हो चुका है। तो कटवा लो। एक्सक्यूज मी, आई मीन प्लास्टर। पुराना साथ है, कुछ प्यार से हो गया। देखा कितना मुश्किल है सब सेट करना। बहुत एनर्जी लगती है। एक काम करते हैं, लेट्स प्ले शेयर शेयर। तुम अपना टिफिन शेयर करो और मैं अपने जोक शेयर करूंगा। एक सरदार था। हंसो। क्यों? क्योंकि सब यही सुन के हंसते हैं, है ना? नो नो, वन सेकेंड, मिस्टर भार्गव, आप एक जोक सुनेंगे? हाँ सुनाओ सुनाओ। एक सरदार था। था मतलब? ओके, ठीक है, सरदारों पे जोक्स नहीं। हाउ अबाउट लालची? नो, ओह हम लेक्चरर हैं, हमें हंसना नहीं चाहिए। कहीं वो बीमारी तो नहीं है आपको? ये क्या कर रही हो जी? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों पहले कैसे मिले थे जी? अरे शादी से पहले मिले तो होंगे ना, कैसे मिले? क्यों, हमें नहीं मिलना चाहिए था? अरे ये बात मैं जानती हूँ, आप मुझे पसंद नहीं करते और चाहते हैं कि मैं वहीं चली जाऊँ अपने मैके। मैं सब समझती हूँ, इतने साल आपने इनकी तो सुनी नहीं, मुझे देख के सोचने लगे कि ये कौन आ गई जो इतना बड़बड़ करती है। कोशिश भी मत कीजिए, अग्नि देवता के सामने कसम खाई है, अच्छा हो या बुरा साथ ही रहेंगे। हाँ तुम्हारा नाम बसंती क्यों नहीं है? अब रजनी में क्या बुराई हो गई? और रजनी यहाँ से नहीं जाने वाली। अरे मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि तुम लोग कैसे मिले, प्यार कैसे हुआ? प्यार? पापू ने बोला कि एक लड़का है शहर में रहता है, हमने बोला कि शराब वराब पीता है तो हम ना करेंगे। पापू बोले शराब क्या, वो तो बीड़ी तक को हाथ नहीं लगाता। बस फिर क्या था, हमारी एक सहेली थी शादी करके बम्बई गई, पहली रात क्वार्टर में 14 लोग सोए थे, बापू बोले उसका अपना क्वार्टर है, बस हो गई शादी।
अरे आप चाय पियेंगे? क्या है बड़े साहब? तुम मुझे बड़े साहब क्यों बोलती हो? हाँ अब छोटे लल्ला आ जाएंगे तो आप बड़े साहब हो जाएंगे ना। तुम बहुत बोलती हो। चाय के लिए तो पूछा था। So funny. Excuse me, Ash. I mean, sir. Actually, मैं आपकी फोटोग्राफी क्लास ज्वाइन करना चाहती थी। Hi, I'm Karishma. Hi, how are you doing? फोटोग्राफ्स दिखानी थी अपनी। एक्चुअली मैं स्टूडेंट ऑफ फाइन आर्ट्स की हूँ, बट आई लव फोटोग्राफी। इनफैक्ट मैंने अपना एक फोलियो भी खींचा। करिश्मा, मंडे मॉर्निंग 9 o'clock मैं सारी तस्वीरें देखूंगा। ओके बाय। अंतरा, मंडे मॉर्निंग 9 o'clock ही सो क्यूट, ही सो क्यूट। अंतरा, अंतरा, आई विल सी दिस टुमारो इन क्लास। ओके अंतरा, एक्सक्यूज मी अंतरा, सॉरी अंतरा, बहुत अच्छा नाम है। मम्मी ने रखा या डैडी ने? मुझे लगता है कि मम्मी ने ही रखा होगा। औरतें ही इतना अच्छा नाम रख सकती हैं। कुछ कहना था? हाँ, एक बार कहनी थी लेकिन भूल गया। क्या? एक बार जाने से पहले हंस दो ना। क्यों? ये सब क्यों व्यू शू मुझे नहीं पता। एक बार हंस दो जैसे सुबह हंसी थी। जिंदगी में पहली बार ऐसे रिक्वेस्ट सुन रही हूँ मैं। मुझसे भी पहली बार मिल रही हो। ये क्या बिना मतलब। चलो इस बात पे हंसो कि कोई बात है ही नहीं हंसने के लिए। जैसे एक सरदार था। सॉरी मैम। थैंक यू। मैक्रोनी एंड चीज चलेगा ना? विद टोमेटो एंड पार्सली। आज है ना कॉलेज में एक नया लेक्चरर आया है, नाम है यश। हरकतों से वो स्टूडेंट है कि लेक्चरर पता ही नहीं चलता। मुझे तो आज तक ऐसा लेक्चर नहीं मिला। रियली शॉकर। आई मीन ट्रेंडी क्लोथ्स, रक्सैक, लेफ्ट हाथ में प्लास्टर, हड्डी कब की जुड़ चुकी पर प्लास्टर अभी तक नहीं उतारा। यू शुड हैव सीन उस प्लास्टर में क्या नहीं था। इट वॉज लाइक सम काइंड ऑफ आर्ट वर्क। गॉड। और पूरे दिन मुझे हंसाने की कोशिश। इंटरेस्टिंग। कम ऑन, व्हाट इंटरेस्टिंग? कोई शर्म नहीं, नो इनहिबिशंस। आज तक किसी ने मुझे अंतरा अंतरा चिल्लाकर नहीं पुकारा, और वो भी 500 मीटर की दूरी से। चिल्लाता चला जा रहा था वो, बदतमीज। बदतमीज? शायद वो तुम पे फिदा हो गया। रबिश शौकत, फिदा? क्यों? तुम पे कोई फिदा नहीं हो सकता। मैं शादीशुदा हूँ, और फिर भी मुझ पर फिदा है तो बेहद ही बदतमीज है वो। अंतरा, you're sounding like my mother. मैं तो ऐसी ही हूँ। You know, शौकत, जब से आपसे शादी की है ना, कोई मुझे ज्यादा ही क्लोज होने की कोशिश करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसे क्या पता कि तुम शादीशुदा हो, तुम पसंद आई हो, तो उस बेचारे की क्या गलती है? ठीक है, बेचारे की कोई गलती नहीं। मैं कल ही जाती हूँ, उसकी गलत फहमी दूर करती हूँ और उसकी अकल ठिकाने लगा देती हूँ। अकल ठिकाने लगाने के बजाय तुम उससे दोस्ती क्यों नहीं कर लेती? तुम भी तमन्ना की तरह घबराती हो। सिर्फ दोस्ती अंतरा। नहीं। क्यों नहीं? एक तो ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। और दूसरा? मुझे किसी दूसरे से दोस्ती करने की जरूरत महसूस नहीं होती। क्योंकि तुम शादीशुदा हो। क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। वो इसलिए क्योंकि तुमने दूसरी तरह की जिंदगी जी ही नहीं। कभी किसी का नाम कॉरिडोर के एक कोने से दूसरे कोने तक पुकारा ही नहीं। क्योंकि तुम्हें गलत लगता है, क्योंकि तुम शादीशुदा हो।
अपनी मन की खिड़कियां खोलकर मिलो अंतरा और देखो क्या होता है। तुम डरती हो ना? किससे? क्योंकि तुम्हें लगता है कि यश तुमसे वो सब करा लेगा जो मिसेस शौकत विशिष्ट को नहीं करना चाहिए। लेट गो अंतरा, लेट गो। तुम मुझसे प्यार करती हो? यकीन नहीं है। मुझे तो है, पर शायद तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम डरती हो कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए। कभी नहीं होगा। इसी तरह बच कर भागोगी तो नहीं होगा, लेकिन बात तो तब होगी जब तुम मिलो जुलो और साबित करो। हेल्प मी आउट अंतरा, औरत की कहानी लिख रहा हूं ना, फंस गया हूं। मुझे इस किताब में थोड़ी मदद की जरूरत है, प्लीज। पर मैं क्या करूं? मुझे अपने क्लास में जाना है। लाला जी अगर तुम्हारी हंसी देख लेते तो उन्हें अपनी बेवकूफी भी कमाल लगती। यूं लाला जी बेवकूफियां करते रहे और मैं उन पर हंसती रही ना, तो ये स्टूडेंट्स मुझ पर हंसेंगे और इज्जत नहीं करेंगे। अंतरा, you're a fashion teacher, यार, get more with it. ये सब इज्जत बिल्कुल out of fashion हो गया। हाँ? पर वक्त पर क्लास लेना फैशन में तो है ना। बस मौका मिलती बन गई टीचर। Later. हंसी, कैसी है तमन्ना की हंसी? हंसी कैसी? क्रिस्टल क्लियर, झरने की तरह कल 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 खलकती हुई हंसी। क्यों इतनी हंसी आ रही तमन्ना? कोई हंसा रहा है तुम्हें? कौन है वो? तो तुम्हें कोई मिल गया? कौन है वो तमन्ना? अपना चेहरा मुझे कभी नहीं दिखाया, उसका तो दिखा दो। यश। हाय यश, मैं शौकत। वेलकम टू शौकत्स वर्ल्ड। यहां सब कुछ शौकत करता है, बस करने वाले तुम होगे। सब रियल है क्योंकि इन्हें रियल चाहिए ना, इसीलिए तुम रियल यश शौकत की कहानी में। आज से तुम अंतरा की जिंदगी में ही नहीं, मेरी कहानी में भी रहोगे तमन्ना के साथ। कैसी लगी तुम्हें तमन्ना? यश, काफी। थैंक यू। लगता है तुम्हारी माँ से मिलने आना ही पड़ेगा एक दिन। उनका हाथ का खाना इतना जो खा रहा हूँ, और एक थैंक यू भी नहीं। इट्स नॉट फेयर, यू नो। थैंक यू कहने का भाव। अच्छा, तुम खाना नहीं बनाती हो? मेरी माँ भी नहीं बनाती, रजनी मेरी बाई वो बनाती है। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ, माँ कहाँ हो तुम? बहुत दूर है मेरी माँ, और अच्छा की दूरी रहे। पास आते ही शादी की बात करने लगती है। तो कर लो ना। अरे बाप रे, क्या हुआ? मेरी लैंडलेडी की बेटी, मेरी लैंडलेडी को मुझसे कुछ प्यार सा हो गया। हाय। माँ ने भेजा है, उन्होंने कहा है कि किसी से मांग के खाना अच्छा नहीं है। ओह सॉरी, आज मैं इनसे मांग के खा लूंगा, कल शायद। ओके, गुड आफ्टरनून मैम। ओह हाँ, गुड आफ्टरनून। और माँ से कहना कि ये मेरी फिक्र ना किया करे, बड़ा हो गया हूं। ओके, बाय बाय बाय, सी यू बाय। इसमें क्या बुराई है? मेरी पसंद की लड़की कोई और है, उसके बाल छोटे छोटे यहां तक,
और इसकी आंखें बहुत शरारती हैं। हमेशा कुछ बात करती हुई, उसका बचपना अब तक छूटा नहीं, बार बार बाहर आ जाता है। मेरा दिल करता है बस उसे देखते जाऊं, देखते जाऊं, देखते जाऊं। और क्या, उसे हंसना नहीं आता, हंसती है तो ऐसे लगता है कि बांध टूट के आ गया और पानी भर भरा के बाहर आ रहा हूं। है तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई लड़की? यश, टुडे इज योर लकी डे। एक जोक सुनाओ? जोक? ऑफ कोर्स। ओके, एक सरदार। ओके लाला जी। अगर जोक के ख्याल से तुम्हें इतनी हंसी आती है तो कौन कमबख्त जोक सुनना चाहता है? मुझे तो सिर्फ तुम्हारी हंसी से मतलब है। कुछ प्यार सा हो गया। तुम्हें प्यार हो रहा है? हो रहा है ना यश? होना पड़ेगा, कहानी आगे बढ़नी है ना यश। अंतरा, तुम्हें मालूम है लाला जी अपनी लेसेस कैसे बांधते हैं? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अंतरा, कॉरिडोर के एंड तक तुम्हारी हंसी की आवाज आ रही है ना मिस्टर बोस जी? ओह माय गॉड, सॉरी सर। इट्स ओके, भाग। अंतरा, शी इज राइट। अंतरा, तुमने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाया कि तुम्हारी हंसी कॉरिडोर के एंड तक सुनाई दे रही है? नहीं नहीं यश जी, आपके ही जोक में कुछ खास दम है, नहीं तो आज तक हमने तो इनकी हंसी यूं नहीं सुनी है ना मिस्टर बोस। ओह माय गॉड मिस कपाड़िया, यू ओनली टू फेयर। आप सिर्फ हंसाने वाले को पूरा क्रेडिट देती है ना, है ना? कहाँ जा रही हो? आई एम डन, घर। मेरी भी सिर्फ एक और क्लास है, फिर मैं भी आता हूँ। करें, घर तो जाना ही होता ना। मुझे अकेले जाना बिल्कुल पसंद नहीं, और आज बिल्कुल नहीं। मिसेस कबाड़िया, आपके कितनी क्लासेस हैं? क्यों? क्या है ना कि आज मैं बहुत उदास हूं, हाथ से प्लास्टर निकल गया, लेकिन दर्द हाथ में नहीं, दिल में। सॉरी, चलें? नॉटी बॉय। एक बार सरदार जी की साइकिल खराब हो गई, तो उनके दोस्त ने कहा, क्यों भैया सरदार जी, तुम्हारी साइकिल तो खराब हो गई। तो सरदार जी ने घूम के बोला, क्यों भाई, तेरी भी तो मेरी भाग गई थी मिस्टर सरदार। सरदार जी रोड पर अकेले चल रहे थे, सामने केले का छिलका पड़ा, देखा तो सरदार जी बोले, आई न्यू इट। यश अपने जोक्स सरदार जी की जगह लाला जी के नाम से सुनाता है या तो खुद बनाता है। वेरी टैलेंटेड। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जोक बनाना आसान चीज नहीं। पर शौकत, ये जोक्स है इतने स्टुपिड, फिर भी मुझे हंसी आती है और बाद में एम्बैरसमेंट हो जाती है। क्यों? आपने कभी सुना मुझे जोर जोर से हंसते हुए? और वो मिसेस कपाड़िया घूर के देखती है और कभी कभी ताने भी मारती है। यश भी ना एकदम, लेकिन कॉलेज की सारी स्टूडेंट्स उसकी दीवानी है। और वो आज ही बता रहा था उसे कैसी लड़की पसंद है। कैसी? तुम्हारी जैसी? बिल्कुल ऑपोजिट। लेकिन बता नहीं, मुझे उस वक्त लग रहा था कि तभी बता दूं कि मैं शादीशुदा हूं। क्यों? तुम्ही ने कहा था ना कि उसे वो लड़की पसंद है जो तुमसे बिल्कुल ऑपोजिट है। हाँ, पर वो मिसेस कपाड़िया है ना, वो। अरे मिसेस कपाड़िया कौन है? मैं कह रहा हूं ना, अच्छा हुआ तुमने उसे नहीं बताया। अगर उसे पता चल जाता कि तुम शादीशुदा हो तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता। रिलैक्स अंतरा, जस्ट रिलैक्स।
मना ही तो होगी, फॉरबिडन जो है परवाह मत करो। यश को बताने का वक्त अभी नहीं आया, मैं बताऊंगा कब बताना है। हैप्पी रोज डे अंतरा। व्हाट नॉनसेंस यश, अरे दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स, हमारे लिए थोड़ी है। क्या बताऊं, ये रोजे बोजे ये सब क्या है? हाँ, सीधी सीधी इंडिया का नाम अमेरिका क्यों नहीं रख देते? सच नॉनसेंस आई टेल यू। ना रिश्ते का लिहाज, ना बड़े छोटे का लिहाज। यश, मैंने सुना एक स्टूडेंट ने तुम्हें भी रोज दिया है। एक नहीं, 15। समझ में आ रहा है मैं किसे दूं? इस पूरी पीढ़ी का यही प्रॉब्लम है, संस्कार मॉरल नाम का कोई चीज ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, हैप्पी रोज डे मिसेस कपाड़िया। सच नॉनसेंस। You want one more? हर पल को कैद कर लो यश, कुछ भी जाने मत दो। अंतरा, अंतरा मेरे लिए एक बार हंस तो प्लीज। यश, ये तुम क्या करते रहते हो? यादों को कैद कर रहा हूँ। बस करो ना। यश, अब बस में कहा, उसे तो वो मिल गया है जो वो जिंदगी भर ढूंढ रहा था। यही शौकत। क्या? यादों को कैद कर रही हूँ। यश तो कैद हो चुका है तमन्ना के प्यार में और मेरी कहानी में। मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकिन जब तक तुम उसे खुद नहीं मिलोगे ना, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मैं भी मिलना चाहता हूँ उसे। आग, कभी कभी रोशनी, कहीं कहीं शोर रौनकें। कहीं आग आग, कहीं धुआं धुआं, कभी आस पास, कभी यहां वहां, कभी शोर हो तुम, कभी मौन हो तुम, कौन हो तुम? खुद से अनजान हूं मैं, खुद से बेगाना। दर्द से गहरे, सोच से ऊंचे, प्यार से उजले, नक्श तुम्हारे जहन में मेरे धुंधले धुंधले। खुद से अनजान हूं मैं, खुद से बेगाना। क्या देखती है तुम्हारी नजर, मुझको बताना। अनजान हूँ मैं, खुद से बेगाना। क्या देखती है तुम्हारी नजर, मुझको बताना। खुद से अनजान हूँ मैं, खुद से बेगाना। क्या देखती है तुम्हारी नजर, मुझको बताना। दो आँखें हैं, आँखों में क्या है? एक चेहरा है। किसका चेहरा है? पूछो अपने दिल से, पूछो पूछो हवाओं से। खोया खोया था दुनिया की राहों में, तुझसे मिलके हूँ मैं खोया तेरी निगाहों में। खोया खोया था दुनिया की राहों में, तुझसे मिलके हूँ मैं खोया तेरी निगाहों में। खोया खोया सा, तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो। क्या हुआ? हुआ क्या ऐसे, कैसी ये हलचल है? बदला हुआ है तेरे आने से जहां। कुछ ना कहो तुम। क्यों ना कहूं मैं? खो न जाऊं तेरी बातों की बाहों में। खोया खोया था
दुनिया की राहों में तुझसे मिलके हूँ मैं खोया, तेरी निगाहों में खोया खोया सा। जिसकी तस्वीर निगाहों में तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का। क्या हो तुम ये तुम बताओ, तुमने क्या जाना है, जाना कि तुम हो, चलो जाना तो सही, अब तो बताओ, यू ना सताओ, हो न जाए जो न सोचा, ख्यालों में खोया खोया था, दुनिया की राहों में तुझसे मिलके हूँ मैं खोया, तेरी निगाहों में खोया खोया सा। तेरी सादगी अनमोल है, किरदार बेमिसाल है, तू जो भी है लाजवाब है, तू ख्याल है या एक सवाल है, तेरे सामने जो भी आएगा उसे तुझसे प्यार हो ही जाएगा। चाय। Excuse me. हाँ जी? अंतरा, अंतरा विशिष्ट वो प्रोफेसर? हाँ हाँ, वो तो बहुत अच्छी मैडम है, बहुत बढ़िया मैडम है, पर वो तो लंच में ही चली गई थी। कोई खास बात है क्या? मैं मैसेज दे देगा, मैं दे देगा मैसेज। Excuse me. Do we know each other? No. Oh yes we do. अंतरा, शौकत, आप शौकत है ना? मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और मेरी बेटी तो उस दिन आपका टीवी पे प्रोग्राम आया था ना, ओह माय गॉड, अंतरा तो चली गई, घर नहीं पहुंची। मैं मिसेस कपाडिया। नाइस मीटिंग यू। आपकी जो राइटिंग है ना, मुझे बहुत पसंद है, आपका स्टाइल जरा हटके है ना, कुछ लोगों को हटके पसंद नहीं है ना, इसलिए तो पिछली किताब मुझे तो बहुत पसंद आया था। थैंक यू। Come on. What are you guys doing over here? Sitting around all the time. Chalo, come on. Come on, Avia. And you, what are you sitting over there and watching the whole? You, these guys, come here. Come on. Look at. Excuse me. Now, what you have to do is. Yash, वो जो नया professor वो. हाँ हाँ हाँ, अभी लड़का ही है, strong है, बहुत strong है. सारा दिन पता नहीं क्या करता है. आज गया था. नहीं. शाम को लौट गया था, उसका क्लास होता है, वो एमपी थिएटर है ना वहाँ पे, फोटोग्राफी का। मैं कुछ बोलने का है? नहीं नहीं, मैं कुछ मैं बोलेगा? नहीं कुछ बोलेगा? नहीं, ओके, तुम जाओ। यश,
एग्जैक्टली जैसा मैंने सोचा था। ब्रिलियंट शौकत। अरे आप, हाय। पहली बार मेरे लौटने पर आप घर पर नहीं थे। ये रजनी रमाकांत कहाँ है? लंच तक तो सब घर पे थे। तुम लंच पे आने वाली थी ना? हाँ, वो एक्स्ट्रा क्लासेस। हाँ, मुझे पता था। क्या? कि तुम लेट हो जाओगी। औरत अंतरा, आज तुमने मुझसे झूठ बोला, कल तमन्ना बोलेगी। ये मैं होने नहीं दूंगा। आज से सब कुछ मैं तय करूंगा। मैं मिस्टर भैरव, वन मिनट, आई जस्ट जॉइन यू। अच्छा अच्छा, चल अकेला चल। हाय अंतरा। हाय। क्या बात है, आजकल हस्बैंड पिकअप शिकअप करने आ रहे हैं? जी हाँ, कल आए थे ना यहाँ, मगर तुम थी नहीं। पुअर गाय, लुक सो सैड। वैसे मेरी तो मिलने की ख्वाहिश हो गई, पूरी हो गई मेरी तो। मैंने सोचा था यश से भी मिलवाऊंगी, मगर वो भी नहीं था यहाँ। हाँ, व्हाट अ गाय, हाँ, योर हस्बैंड, जरा बचा के रखना, लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ओह हाय मिस्टर बॉस, जस्ट अ मिनट, वेट फॉर मी। हाय, मेरे बारे में सोच रही थी ना? गुड मॉर्निंग यश। गुड मॉर्निंग अंतरा। आप कल मुझे लेने कॉलेज गए थे? शौकत, क्या आप कल... मुझे पता था कि मिसेस कपाटिया बता देगी। डर लग रहा है, डर लग रहा है कि यश को कहीं तुमसे exactly. अरे पलटो मत, यश को प्यार हो जाएगा तो तुम्हारी क्या गलती है? पर मुझे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। तुमने झूठ कहां बोला? उसने कभी तुमसे पूछा कि तुम शादीशुदा हो? ऐसा कोई पूछता है क्या? ब्यूटीफुल, क्या वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ, तुम क्या चाहती हो? यश को पता चले, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी दोस्ती टूट जाए? दोस्ती की बुनियाद झूठे सपनों पर नहीं खड़ी होनी चाहिए। क्या इस दोस्ती में जो तुम्हें अच्छा लगता है? यू कैन टेल मी। मैं वो सब करती हूँ जो मैंने करना छोड़ दिया था, जैसे यूं ही छोटी छोटी बातों पर हंसना, यूं ही बेसर पैर की बातें, यूं ही छोटे छोटे चैलेंजेस। हाँ चैलेंजेस, अब कौन कितनी बार एक मिनट में चुटकी बजा सकता है, या कौन कितनी देर बिना पलक झपके बैठ सकता है, ऐसे स्टुपिड स्टुपिड बातें, जस्ट बचपना जो अच्छा लगता है। लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करती, यू नो दैट। मैं तो आपसे प्यार करती हूं। तो फिर डरती क्यों हो? डरो मत अंतरा, कहानी रुक जाएगी। हेलो मिस। यश एक मिनट। हेलो अंतरा, तुम्हारा फोन। अंतरा तुम्हारा फोन।
हाय यश। हाय अंतरा, क्या कर रही थी आप? कहीं मेरे बारे में तो नहीं सोच रही थी? नहीं, मैं बाल कटा रही थी। छोटे छोटे यहाँ तक? नहीं, फोन क्यों किया? ये बताने के लिए कि हम हैबिटेट सेंटर प्ले देखने जा रहे हैं। प्ले? नहीं, मैं संडे को कहीं नहीं जाती। व्हाट नॉनसेंस है अंतरा, क्यों? अच्छा पहले ये बताओ कि फोन किसने उठाया? अरे बताओ ना यार, बड़ी भारी आवाज। जाओ जाओ जरो, जाओ अंतरा। हेलो, कौन सा प्ले? अरे मुझे क्यों नहीं बता रही हो? समझा, नहीं बताना चाहती अंतरा, तुम्हारा फोन। मैं तो डर गया यार, तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ रहते हैं। कितने बजे? प्ले तो 7 बजे का है, लेकिन अगर तुम चाहो तो अब भी मिल सकते हैं। ओके, 6:30 बजे। कहाँ? क्या तुम हैबिटेट सेंटर आ सकते हैं? हाँ ठीक है। नहीं तो मैं पिकअप भी करने आ सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे... तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ जाऊंगी। ओके, सी यू लेटर। हाँ, या इट्स ओके। ओके बाय, सी यू। आज तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जाओ। बहुत ध्यान से तैयार होना तुम्हारा, आज का दिन कुछ खास है। ब्यूटीफुल। एक झटके में तुम मेरी उम्र 7 साल कम कर देती हो। क्या जादू है, बार बार तुमसे प्यार हो जाता है। एक कमी है, अब कोई कमी नहीं। खुद कर सुना, अगर इस तरह जाओगी तो तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार करूंगा। जाओ, प्ले के लिए लेट नहीं हो रहा। जाओ अंतरा। एक आइडिया दूं यश, आज तमन्ना को प्ले देखने मत ले जाना, देखते हैं क्या होता है। हम तो प्ले देखने जा रहे थे ना, ये तो मुझे कहां ले आए? ये वो मोड़ है जहां दो लोगों को साथ चलते चलते एक दिन आना ही पड़ता है। पर हम कब से साथ चलने लगे? जब से मिली हो ना, साथ चलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम जो हो ना अंतरा, कभी आगे या कभी पीछे चलती हो। घर वालों से डरती हो क्या? सॉरी, नाराज क्यों? मैंने क्या गलती की है? तुम बोर हो रही थी, बस वो एक अलमारी से कपड़े निकाल के जोड़कर वापस डालना। मैं तुम्हें एंटरटेन कर रहा हूं यार। माँ ठीक कहती थी, कलयुग में कभी भला नहीं करना चाहिए। यश, तुम इतना बोलते हो कि कभी कभी पता ही नहीं चलता कि बात कहां से शुरू की और बोल क्या रहे हो। यू नो अंतरा, यू आर राइट, द वर्ल्ड इज राउंड, दुनिया गोल है, तो चाहे जितना भी भटकू पहुंचना तो सिर्फ वहां पर ही है। तुमने इतनी सड़ी हुई शक्ल क्यों बनाई है? क्योंकि मुझे तुम्हारी किसी बात पर हंसी नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं और कोशिश करता हूं। अगर वहां पहुंचने से पहले मैं तुम्हें ना हंसा पाया तो मेरा नाम सॉरी, मैं सीधा ऊपर। ये क्या मजाक है यश? मजाक है तो हंस दो ना। ओके, एक दिन लाला जी और लाली जी यहाँ पे आए। यश, मैं घर जा रही हूँ। लाला जी ने लाली जी से कहा, यश नहीं, कहा कि अगर मैं उस पहाड़ की चोटी पे पहुंचूंगा तो तुम मुझे क्या दोगी? This is not funny. लाली जी थोड़ी सी शर्माई।
लाली जी ने फिर से पूछा, लाली जी अगर मैं इस पहाड़ की चोटी पे पहुंचूंगा तो तुम मुझे क्या दो? तुम्हें पता है लाली जी क्या बोली? वो बोली, यश धक्का। मेम साहब का खाना? क्या हुआ? ऐसे अकेले घूमने कैसे चले गए मेम साहब, साहब को अकेला छोड़ के? ओहो, अब पूरा घर गीला करेंगे, इनको तो रोक भी नहीं सकते। आंखें तो खोलो यश। मेरी खुली है ना, ट्रस्ट मी, जान लो जो जानना है। दमयंती सब जानती। कौन है ना दमयंती? बैठो। दमयंती, तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, आज के बारे में, कल के बारे में, सब। बावरा, कुछ पाएगी कुछ खोएगी, एक बड़ा सच जान जाएगी। जानना है? वही पुरानी नई कहानी, बचपन से जवानी, देखे थे पहले जवानी में सपने, देखोगी सपनों में अब तुम जवानी। बोलो तो बोलो ना, बोलो जरा, होता है क्या प्यार? बोलो बोलो तो बोलो ना, बोलो जरा, क्यों बेकरार? बोलो कभी कभी बैठे बैठे क्यों किसी की याद आ जाती है? हो रहा है अब मुझको जैसा, कुछ जरा सा तुमको भी वैसा, हो रहा है क्या? बोलो
तो बोलो ना बोलो जरा होता है क्या प्यार बोलो बोलो तो बोलो ना बोलो जरा क्यों हो बेकरार बोलो। किसी की नजर मेहरबान हो रही है लो फिर से तमन्ना जवां हो रही है। बस में ना हो जो अपने वो ही जवानी है या फिर वो तेरे मेरे दिल की कहानी है। लगता है कोई अपना यूं ही किसी को सबसे बड़ी तो इसकी ये ही निशानी है। दिल मेरा यूं अब चाहे जिसको प्यार सा यूं मुझसे भी उसको हो रहा है क्या। तुम बोलो बोलो तो बोलो ना बोलो जरा होता है क्या प्यार बोलो बोलो तो बोलो ना बोलो जरा क्यों बेकरार बोलो। ये रास्ता जरा सा नया है तमन्ना, जरा देख लेना कि रुकना कहाँ है और चलना कहाँ है, कहाँ लड़खड़ाना संभलना कहाँ है। इस रास्ते पर अब तो चलते ही जाना है चाहे ये दुनिया कह दे मुझको दीवाना है। तुमसे शुरू हुई है तुम पे ही अब खत्म मेरी कहानी मेरा हर एक फसाना है। लग रहा है अब मुझको ऐसा कुछ तुम्हें भी थोड़ा सा वैसा लग रहा है क्या। हाँ कहो तमन्ना। बोलो तो बोलो ना बोलो जरा खोने और पाने के बीच पल भर का फासला है, इनकार मत करो आगे बढ़ो थाम लो उसका हाथ वरना तुम्हारा इनकार मेरा इंतजार बन जाएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं देखना चाहता हूं प्यार के इस मोड़ के आगे क्या है। आगे बढ़ो अंतरा। तुम तमन्ना को तुम्हें ने तुम्हारी जिंदगी से चुरा कर बनाया था फिर तुम कैसे तमन्ना बन गई। कांग्रेचुलेशन शौकत, कहानी रियल हो गई और आज प्यार कबूल करने का दिन है। नहीं शौकत, ये तुम क्या लिख रहे हो? अपनी बीवी का प्यार? अंतरा को ये से प्यार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये गलत है। फॉरबिडन, मना ही, गलत। यही तो थीम था ना? अचानक पति बन गए और रियलिटी का क्या होगा? अब नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं हो सकता। प्यार होगा ही चाहे अंजाम तक पहुंचे या ना पहुंचे। हाउ कुड यू डू दिस?
वो तुम्हारी बीवी है, ये तुम नहीं लिख सकते। तुम्हारी बीवी होगी पर मेरी कहानी की कैरेक्टर है और कहानी रुक नहीं सकती। सॉरी शौकत। तुम्हारे घर में ऐसा क्या जिसे तुम किसी को दिखा नहीं सकते? कुछ चीजें हैं जो सिर्फ मेरी। जैसे घर? ये मैं पहली बार सुन रहा हूं। मुझ जैसी लड़की से भी तुम पहली बार मिल रहे हो। कुछ छिपा रही? शायद। क्यों? क्योंकि मैं छिपाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ऐसा रहे। मेरी गाड़ी खड़ी है। ठीक है, घर में एंट्री बंद। लेकिन क्या घर पहुंचती दिमाग से भी एग्जिट करवा देती हो? यश, मेरी कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं कुछ नहीं जानना चाहता हूं। मेरे लिए यही काफी है कि हम मिले। यू नो, तुम्हारा मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। तुम्हारी ये राज भी, और ये भी कि तुम अपने चारों ओर लकीर खींच के रखती हो, और ये भी कि तुम कुछ कहना चाहती हो और कहती कुछ और हो। कुछ तो होगा जो उस मुस्कान को आंखों तक आने से रोकता है। खैर जाने दो, इसी वजह से मैं तुम्हारी तरफ खींचता चला जाता हूं। मेरे लिए वो सब मिलाकर तुम हो। तुम्हारे ये राज, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी रिजर्वेशंस और तुम्हारी कमजोरियां कहां थी? कहां थी तुम अब तक अंतरा? क्या वो रात भर घर नहीं लौटेगी तभी तुम्हारी कहानी रियल होगी? शौकत द राइटर, जवाब दो। तुम्हें सब तय कर देगा। जवाब है कैसा था प्ले? आप सोए नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। याद करो। लेकिन कब तक? रात के 4:30 बजे तक मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इतना लंबा प्ले? या प्ले के बाद डिनर, फिर प्ले के एनालिसिस? हाँ नहीं, वो हम प्ले देखने नहीं गए थे। नहीं गए थे? मुझे पता था। मतलब? मेरा मतलब कि इतने अच्छे मौसम में कोई हॉल में बैठकर प्ले देखता है क्या? I'm really sorry, वो इतनी देर हो गई, मुझे पता नहीं चला। मैं कभी कभी वक्त का पता नहीं चलता है ना अंतरा। छत नहीं चाहिए। कहां गए थे? बीच पर, और फिर बादलों को नीचे आते हुए देखा होगा, फिर बारिश शुरू हो गई होगी। बारिश में सब धुल जाता है, वक्त का एहसास भी। पेड़ पौधे, दुख दर्द, पाप, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। गाड़ी भी फिसल जाती है। तुम्हारी गाड़ी तो ठीक है ना अंतरा? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अंतरा। मुझे यकीन था कि मेरी अंतरा लौटेगी। कभी कभी ऐसा होता है। क्या होता है? क्यों है इतना भरोसा? क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? शौकत, मैं तुम्हारी बीवी हूं।
क्वेश्चन मी, पूछो मुझसे कि मैं क्यों इतनी देर से लौटी हूं। हरीश पे सब चल जाता है, क्या क्या खेल खेल रहे हो तुम? हम क्या कर रहे हैं? लेट गो, देखते क्या। शौकत, दिस इज रियलिटी, हकीकत। और सच्चाई ये है कि आखिर वो एक लड़का है, जवान है, खूबसूरत है, तुम्हें क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता? होता है, हो गया तो प्यार, हो गया तो जिंदगी, कहानी, रियलिटी सभी को है। देखिए क्या होता है। कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब मैं तय करूंगा। कहीं घूमने चले? कोडाईकनाल चले? क्यों भागना चाह रही हो यश से? गलत है भागना, तो सही क्या है? साढ़े चार बजे घर लौटना, मुझे वक्त का अंदाजा कैसे नहीं रहा। बस संतरा, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि तुम्हें वक्त का अंदाजा नहीं रहा, लेकिन इस बात का बुरा लगेगा जब तुम जिम्मेदारियों की वजह से, सही गलत के वजह से, शादीशुदा होने की वजह से घर लौटो। जब भी घर लौटो तो मेरी वजह से लौटना, किसी बंधन की वजह से नहीं। हम यहीं रहेंगे, तुम कहीं नहीं भागोगी। रमाकांत, पौधों में पानी मत डालना, बारिश होने वाली है। जी साहब। यह आया ही क्यों हमारी जिंदगी में? वो तो होना ही था। क्या क्या होना था? ना तुम मेरा दिल दुखा सकती हो, ना यश का। मजाक उड़ा रहे हो? सच्चाई बता रहा हूं, रियलिटी। और लोग कहते हैं कि रियलिटी की समझ नहीं है मुझे। मेरे पास ताकत है, दिमाग की ताकत, और इस ताकत से मैं प्यार करता हूं, और तुमसे भी।
लेकिन तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। किताबों से भी ज्यादा? यही तो तय नहीं कर पाता हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। चलो अंतरा। कहा? बारिश आ गई, मैंने कहा था ना। शौकत, ये तो मुझे कहा ले आया शौकत? जगह जानी पहचानी लग रही है। रुक गई, बारिश रुक गई, रुक गई। वो भी समझ गया वो तुम्हें छू नहीं सकता। शौकत, चलो। हेदे! अंतरा सिर्फ मेरी है और मेरे अलावा इसे कोई छू नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुमने बनाया इसे, तुम्हारा भी पूरा हक है इस पर। लेकिन बारिश मैंने रोक दी, हमारी जिंदगी का फैसला मैं करूंगा। मैं कब बरसना है मैं बताऊंगा। Do you understand? इधर आओ, अंतरा, चिल्लाओ, चिल्लाओ और बताओ कि तुम हो। चिल्लाओ अंतरा, चिल्लाओ अंतरा, चिल्लाओ और बताओ कि तुम हो। चिल्लाओ अंतरा, चिल्लाओ। हम सब ऊपर वाली की मर्जी से चलते हैं, वी ऑल आर पपेट्स। हाँ, लेकिन कुछ डोरियां मेरे हाथ में, मैं कुछ भी कर सकता हूं, करवा सकता हूं। उफ, शांति, मुझे फिर से लिखने में मजा आ रहा है। और जब लिखने में मजा आता है तो जीने में मजा आता है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन मेरी नहीं लग रही। हंसो अंतरा, एक बार मेरे लिए हंसो। हंसो अंतरा, एक बार नहीं हंसोगी मेरे लिए? हंसो अंतरा, खिल कर हंसो, खुल कर हंसो, हंसो, क्रिस्टल क्लियर। तुम्हारी हंसी जो मैंने दुनिया को शब्दों में दी है। हसो अंतरा, कम ऑन, हसो, हसो अंतरा। बहुत डर रहे थे ना कि कहीं तुम अंतरा की जिंदगी से गायब तो नहीं हो गए। शौकत, कहानी, जिंदगी, सच्चाई, किताब, सब एक हो चुके हैं। अब कहानी में तुम भी आ जाओ। हाय शौकत, आई एम शौकत, वेलकम टू शौकत्स वर्ल्ड। इससे ज्यादा और रियल क्या हो सकता है? हस्बैंड की एंट्री तो होनी थी, फॉरबिडन है ना। लव स्टोरी में ऐसा ही होता है शौकत। क्या लगता है, क्या आज अंतरा यश से मिलने कॉलेज जाएगी? कहानी के हिसाब से तो जाएगी, रोकना है उसे। अंतरा आज कॉलेज नहीं आ पाएगी। अंतरा विशिष्ट, मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूं। जिसे भी इन्फॉर्म करना हो आप कर देंगे प्लीज? थैंक यू। रजनी,
जाएगी। रजनी, मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे कॉलेज के लिए देर हो गई। नहीं हुई है, मैंने कॉलेज फोन कर दिया था लीव के लिए। मैं लीव नहीं ले सकती, मुझे कॉलेज जाना होगा। मैं जानता था। क्या जानते थे? जानता था कि छुट्टी लेने के बाद भी तुम कॉलेज जरूर जाओगी। शौकत, मुझे कॉलेज जाना होगा क्योंकि तुम बहुत सिंसियर टीचर हो। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। और आई एम सो लेट। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। कल यश और अंतरा प्ले नहीं गए क्योंकि मैंने तय किया था। हस्बैंड ने कोशिश की पर अंतरा नहीं रुकी क्योंकि मैंने तय किया था कि वो कॉलेज जाएगी। अब मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? तुमको आज मैं चुप रखूंगा क्योंकि तुम्हारी खामोशी यश सह नहीं पाएगा। कहानी का अगला मोड़ कश्मकश। क्या हुआ अंतरा? मेरे लेक्चर का टाइम हुआ है और तुम्हारे लेक्चर का टाइम भी हो ही गया होगा। कहानी जीत गई क्योंकि अब से कहानी जिंदगी जैसी नहीं लिखी जाएगी, जिंदगी कहानी जैसी होगी। अंतरा, अंतरा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? गुड मॉर्निंग। अपनी पर्सनल बातें कॉलेज के बाद कर सकते हैं। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। एक शर्त पे। गुड मॉर्निंग। मेरे लिए एक बार हंस दो प्लीज। ओके, जोक नंबर 5। एक दिन लाला जी, ओके, कॉलेज के बाद मेम साहब बोलकर गई हैं। दवाई टाइम पर खा लूं, वो लेट आएंगे। ऐसे ही होना चाहिए कि मुंह भी ना खोलना पड़े और मियाँ भी एक दूसरे के मन की बात भी पढ़ लें। फल भी नहीं खाया, ले जाती हूँ। तुम पढ़ पाती हो रमाकांत की मन की बात? अभी अभी तो शादी हुई है, आपके जैसे 7 साल हो जाएंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। अभी तो जब बोलते हैं कि मैं के क्यों नहीं चली जाती तो मैं समझ जाती हूँ बोलना चाहते हैं कि मत जाना। मत जाना, मैं तुम्हारा प्यार लिखूंगा अंतरा, जो लिखूंगा वही होगा, पर मत जाना। मुझे गलत साबित करना अंतरा। जब कहानी और जिंदगी घुल मिल जाते हैं तो इतनी तकलीफ क्यों होती है? जो मैं तय कर रहा हूं वो सच हो जाए तो भी मुझे तकलीफ, और झूठ हो जाए तो भी मुझे तकलीफ। क्यों? झूठ तो बोलो मत कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ये दर्द जो तुम्हारी आंखों में, ये कुछ नहीं का दर्द है क्या? तुम मेरी वजह से परेशान हो क्या? हाँ, पर गलती तुम्हारी नहीं है। हाँ, गलती उम्र की है। छोटा हूं मैं तुमसे तो, प्यार करता हूं मैं तुमसे तो, डरती हो कि प्यार के बदले में प्यार देना पड़ेगा। दोगी तो खुशी से मर जाऊंगा, नहीं दोगी तो तुम्हारे लिए प्यार के सहारे ही झेलूंगा। पर ये डर की परछाई तुम्हारी आंखों में अच्छी नहीं लगती अंतरा। अंतरा, यश, तुम अंतरा की उलझनों में मत पड़ो। वो नहीं कह रही तो ना सही, तुम कह दो कि तुम्हें प्यार है। किस बात से डर है तुम्हें अंतरा?
मैं तुम्हें ठीक है, तुम्हें इस परेशानी से भी दूर करता हूं। यश, ये तुम आई वांट टू मैरी यू अंतरा, आई वांट टू मैरी यू। शादी करोगी मुझसे? इसी बात का डर था ना, जब बोलूंगा क्या जवाब दोगी, क्या होगा, कैसे होगा, जमीन फटेगी, आसमान टूटेगा, क्या हुआ, क्या हुआ अंतरा? कुछ नहीं, मुझे पता था, मुझे पता था। चलो भूल जाओ कि मैंने कुछ पूछा, खत्म, फाइनल, ओके, प्रॉमिस। अब हंस दो इस बात पे, कम ऑन, हंस दो प्लीज। वैसे क्या जवाब था? आ जाओ घर वालों से बात करने। फिर से डर गई। हेलो। सरप्राइज शौकत, जिसे तुम फोन किया करती थी। Tell me, Shaukat. This is my best book. अपनी floating candles तैयार रखना मीरा। Oh, Mrs. Bose. Wine, candles and narration. भेज देना, मैं पढ़ लूंगी। I'm very busy in a narration with Arindam at the moment. We'll talk later. औरत। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज दांव पर लगाई है इस किताब के लिए। दिस हैज टू बी द बेस्ट, दिस विल बी द बेस्ट। क्या बात है शौकत, मुझसे कुछ छिपा रहे हो? मेरी कहानी खत्म होने के बाद सुनाने का इंतजार कर रहा हूं। मुझे भी उसका बहुत इंतजार रहेगा। बस एंड पर अटका हुआ हूं। इस बारे में चाहूं भी तो मैं मदद नहीं कर सकती। अभी तक तो तुम ही ने मदद की है मेरी। मतलब? यू आर माय इंस्पिरेशन, इसलिए मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूँ। लेट्स गो आउट फॉर डिनर। कमाल है, मैं भी यही सोच रही थी कि इतने साल मियां बीवी साथ रहने के बाद एक दूसरे का दिमाग पढ़ लेते हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट जगह पे अटका हुआ हूँ, गिव मी वन आवर, ओके? व्हाइट मत पहना करो अंतरा, खूबसूरत लगती हो, पाक साफ, लेकिन बहुत कमजोर। कमजोर मत बोलो शंकर, कहानी का अंत जो होना है वही होगा। यस रेड, दैट्स योर कलर, द कलर ऑफ पावर, द कलर ऑफ पैशन। जैसे जीना चाहती हो वैसे जीने वाली मेरी अंतरा। मेरी अंतरा वही करेगी जो मैं चाहूंगा। कल को बीत जाने दो, आज को समेट लो इन धागों में,
बह जाओ इस रंग में अंतरा। लव यू फॉरएवर शौकत। और उसकी खातिर एक को कुर्बानी देनी होगी। कुछ तो बदल गया है। हम क्यों नहीं रह पा रहे शौकत? आंखें, आंखों में दुनिया, सवाल जवाब शब्द खामोशी, बस आंखें। ओ, हम लेक्चरर हैं, हमें हंसना नहीं चाहिए। कहीं वो बीमारी तो नहीं है आपको? शादी करके तुम्हें अफसोस नहीं हुआ कि तुम वो सब चीज नहीं कर सकती जो कर सकती थी? तुम्हारे ये राज, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी रेजिग्नेशन्स और तुम्हारी कमजोरी। लेट गो अंतरा, लेट गो। कहां थी तुम अब तक अंतरा? लेट गो अंतरा। I want to marry you, अंतरा! कभी कभी ऐसा होता है, पर ये डर की परछाई तुम्हारी आंखों में अच्छी नहीं। क्योंकि तुम डरती हो कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए। कभी नहीं, मैं तुम्हारी हूं शौकत। ऐसी जगह अगर यश साथ होता तो ज्यादा एंजॉय करती। हाँ, यही कहीं तो है यश। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। शरारती आंखें, भूला सा चेहरा, मुस्कुराते हुए होंठ और बहुत सारी बातें। लेकिन ये अपने नाखून क्यों चबाता है? ऐसा ही है ना? मैंने सुना तुम डांस बहुत अच्छा कर लेती हो। शौकत, मैं तुम्हारी हर बात मैं दूसरों से सुनूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ डांस करोगी? Can I have this dance with you, अंतरा? की ये रोशनी किसके लिए है, किसके लिए है? चांदनी चांदनी तेरे चेहरे की ये चांदनी किसके लिए है, किसके लिए है? तेरा मुस्कुराना नजर यूं झुकाना, तेरा मुस्कुराना नजर यूं झुकाना मेरे लिए है, बस मेरे लिए है। शोलों सी तेरी आंखों की ये रोशनी किसके लिए है, किसके लिए है? चांदनी चांदनी तेरे चेहरे की ये चांदनी किसके लिए है, किसके लिए है? Oh, oh, oh.
समझो मेरा जो इशारा है, जो भी है मेरा वो तुम्हारा है। समझो मेरा जो इशारा है, जो भी है मेरा वो तुम्हारा है। लहर में कोई हूँ खोई, मंजिल तो है तू किनारा है। ये मेरी अदाएं, ये मेरी वफाएं, ये मेरी अदाएं, ये मेरी वफाएं। तुझको पता है सब तेरे लिए है। शोलों से मेरी आंखों की ये रोशनी तेरे लिए है, तेरे लिए है। चांदनी चांदनी मेरे चेहरे की ये चांदनी तेरे लिए है, तेरे लिए है। दिखा दो दीवाने को जो हो रहा है, हो जाने दो। हंस के दिखा दो दीवाने को जो हो रहा है, हो जाने दो। दिल की ये उलझन जुबां पे आती है तो अभी जाने दो। ये होंठों की नरमी, ये सांसों की गर्मी, ये होंठों की नरमी, ये सांसों की गर्मी मेरे लिए है, बस मेरे लिए है। शोलों सी तेरी आंखों की ये रोशनी किसके लिए है, किसके लिए है। चांदनी चांदनी तेरे चेहरे की ये चांदनी किसके लिए है, किसके लिए है। तेरा मुस्कुराना नजर यूं झुकाना, तेरा मुस्कुराना नजर यूं झुकाना मेरे लिए है, बस मेरे लिए है। सिर्फ मेरी हो अंतरा, सिर्फ मेरी। यश को जाना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि वो तुम्हें खुशी देगा, लेकिन वो तुम्हें तकलीफ दे रहा है ना। ओके, डिसाइडेड, खत्म। चलो घर चलते हैं। सॉरी यश, गुड बाय। मैं जानता हूं गलत है, शायद कहानी की जरूरत है, और उससे ज्यादा शायद मेरी। I love you, Yash.
मैं तुम्हें मार नहीं सकता, इसलिए अपनी जान तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी। तुम्हें मरना पड़ेगा। No hard feelings, okay? जानते हो तुम इसमें रहोगे हमेशा अमर। यू got to die. Sorry, Yudhra. दुख तो हो गई, इतना प्यारा रिश्ता था, पर कदम तुम्हें उठाना पड़ेगा। दोस्त तुम्हारा है ना, रेड साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। अरे कॉफी में फिर से शक्कर? लगता है मेरी जिंदगी में मिठास फिर से आ गई। सॉरी, जानबूझ के लेट आया। तुम मेरा इंतजार कर रही थी, ये आइडिया इतना टेम्पटिंग था कि बस आज बहुत स्पेशल दिन है। बैठो यश। अरे चेयर पर। विल यू मैरी मी अंतरा? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें और टाइम देना चाहता था, बट यू नो हाउ सिस्टर्स आर, आती तुमसे मिलना चाहती है। Will you marry me, Antra? Yes, मैं। लेकिन कुछ भी कहने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोचो, यहां या कुछ भी नहीं, ना मत कहना प्लीज, मैं मर जाऊंगा। अरे हां, या कुछ नहीं कहने के लिए कहा था, ये आंसू कहां से आ गए? यश मैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ओके नाउ, अब वो राज खुलने वाला है जो सुनते ही तुम सोचती हो कि मैं पीछे हटने वाला हूं। बोलो बोलो बोलो, मैं तैयार हूं। अंतरा, तुम कुछ भी कह सकती हो, और सब सुनने के बाद भी मैं तुमसे यही कहूंगा, मुझसे शादी कर। मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। वो जिसकी आवाज तुमने फोन पर सुनी थी वो निकी थी, और मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है यश, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी दोस्ती बहुत कीमती है। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तुम जीना जानते हो यश, और शायद तुम्हारे साथ मैं भी जी उठी। क्यों किया मैंने ऐसा? खुदगर्ज थी या बेवजह हंस पाना दोस्ती न तोड़ पाने की वजह से बन गई थी? आई डोंट नो, पर मैं जानती हूं कि ये गलत है, गलत है, सब कुछ गलत, पर ये दोस्ती सच्ची झूठी। मैं शायद अब भी स्वार्थी बन रही हूं, पर I want you to forgive me, हो सके तो मुझे माफ करना प्लीज।
खुश हो अपने पति के साथ? ठीक है, खुश रहना। तुमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मुझे प्यार सौंप गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अंतरा। तुमने बताया भी नहीं और मैंने पूछा भी नहीं, बस मान बैठा कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अंतरा। हाँ, एक गलती है, तुम्हारे जैसी और कोई नहीं अंतरा। बस दोस्ती खत्म। दोस्ती यहां पे रहेगी, लेकिन मैं इतना भी ग्रेट नहीं जितना तुमने समझ ली। कैसे हो सकता है? तुमने उसे कहा और उसने कह दिया थैंक यू गुड बाय? शौकत, हाँ हाँ कहो ना, मैं सुनना चाहता हूं कि तुम अब झूठ बोल रही हो, तब झूठ बोल रही थी। झूठ? हाँ हाँ, यही कि उसे तुमसे प्यार हो गया है, उसका दिल टूट जाएगा। ये तुम्हें क्या हो गया शौकत? मुझे? हाँ तुम्हें, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? उसने मुझसे कहा खुश रहना और चला गया, चला गया, चला गया हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से। क्या ये अच्छा नहीं हुआ? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि अच्छा हुआ है। तुमने उसकी आंखों में दर्द देखा? जरा सोचो ना अंतरा। मैंने उसकी आंखों में देखा ही नहीं, देख नहीं पाई, क्योंकि किसी को दुख पहुंचाते हुए उसकी आंखों में देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए उसे बता देना चाहती थी कि मैं शादीशुदा हूं, पर तुमने मना कर दिया। और मैंने तुम्हारी बात मान ली क्योंकि मुझे तुम्हारे जजमेंट पर भरोसा था। लेट गो, लेट गो। तुम्हारी बात मानना ही मेरी गलती थी। ईगो होगा उसका, ईगो। मुझे लगता था कि तुम जिंदगी को मुझसे ज्यादा जानते हो, दुनिया की समझ तुम में ज्यादा है, पर यह भी मेरी गलती थी क्योंकि तुम्हारी दुनिया सच नहीं है। वो तो कहानी की दुनिया है। वहां लोग वही करते हैं जो तुम चाहते हो, पर इंसान, जज्बात, इंसानियत समझना आसान नहीं है शौकत, और यह मुझे समझना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है मैं इंसान के दिमाग को नहीं जानता? Nobody understands the human mind better than Shaukat Vishisht. तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि उसे बुरा लगा? और फिर भी तुमने। But what about the experience? हर experience हमें enrich करता है। अगर तुम यस से नहीं मिलती तो क्या तुम मुझसे इस तरह से बात कर सकती थी? हाँ, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि तुम कहकर मुझे पुकार रही हो। बहुत बुरा लगा ना तुम्हें? हाँ, उसे भी दुख हुआ होगा, बहुत हुआ होगा।
तुम यही चाहते थे ना कि उसका दिल टूट जाए। ये तय नहीं किया था, कुछ और सोचा था, कुछ और था। अंतरा तुम्हारी आंखों में आंसू थे, इसलिए सच्चाई तुम्हें दिखी नहीं। वो जी नहीं पाएगा तुम्हारे बिना, क्योंकि मैं लिख चुका हूं। जानता हूं कितने आंसू बह गए, कितने गम पिघल गए। जानता हूं कितने आंसू बह गए, कितने गम पिघल गए। ख्वाब हर जला दूर तू जो चला, ख्वाब हर जला दूर तू जो चला। मत जा, मत जा, जो खता है वो बता, मत जा। शब्द बन गए ढला, मत जा, मत जा, मत जा, मत जा, मत जा। जो खता है वो बता, मत जा। जो खता है वो बता, मत जा। किसी के साथ उड़ू तमन्ना, कौन है वो तमन्ना? हाय यश, मैं शौकत। आज से वो मंत्रा की जिंदगी में तुम्हें प्यार हो गया, हो रहा है आज का दिन कुछ खास। आज तमन्ना को दे दे मंत्रा, तमन्ना को तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा कर बना। तुम कैसे तमन्ना से प्यार होगा ही, चाहे अंजाम तक पहुंचे या ना पहुंचे। हाय शौकत, जिंदगी आई एम शौकत रियलिटी। एक को कुर्बानी देनी है। यू गॉट टू डाई। ये क्या है शौकत, अपनी अंतरा को एक शब्द बना दिया। मैं तुम्हारी हूँ शौकत, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा प्यार, और तुमने मेरी जिंदगी एक कहानी बना दी। लेकिन तुम ये कब से समझने लगे कि तुम अपनी शब्दों से किसी की जिंदगी तय कर सकते हो? और ये क्या लिखा है तुमने अपने आखिरी पन्नों में
मैं तुम्हारी शब्दों की ताकत को परखना चाहती हूँ। देखते हैं कौन जीतता है, अंतरा का विश्वास या तुम्हारे शब्द। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अंतरा, यश को बुरा लगा? हाँ, पढ़ लो। ये क्या है? तुम तो सब जानते थे ना, यश को बिना देखे ये तक पता था ना कि वो अपनी नाखून चबाता है। फिर ये क्यों नहीं समझ पाए कि यश पर क्या बीती होगी? अरे समझता था इसलिए। झूठ, झूठ। क्या समझते थे, क्या समझते थे यश अपनी जान दे देगा? तुम जानना चाहती थी ना कि मैं क्या जानता हूँ? पढ़ो इसे, पढ़ो। पढ़ नहीं पाऊँ। यश का सुसाइड नोट है ना, पढ़ो इसे मेरी प्यारी, पढ़ो इसे, पढ़ो प्यारी, प्यारी। रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड अंतरा जी। टेस्ट पेपर सॉल्व करते करते आखिरी सवाल पर अटक गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? जो जवाब मुझे पता है वही लिख रहा हूँ। इस बार आने में थोड़ी देरी हो गई, अगली बार आपके हस्बैंड से पहले आऊंगा। यही लिखा है ना? हाँ, पढ़ो आगे, आगे पढ़ो। आपकी हंसी, एक माचिस की डिबिया में रख कर ले जाऊंगा। हाउ रोमांटिक, पढ़ो। पता नहीं कहां तक ले जा पाऊंगा, जल्दी है, रुक गया तो शायद पृथ्वीराज चौहान बन जाऊं। पर आप संयुक्ता नहीं है। आप सजा देंगी, और जब सजा होनी है तो मेरी तरफ से अलविदा, खुदाफिज, गुड बाय। मेरे लिए मुस्कुरा दीजिए ना, ये लिखा ना, ये लिखा ना, ये लिखा ना। मैंने लिखा है एक एक, एक शब्द मैंने लिखा है, एक एक शब्द। यकीन नहीं आता ना तुम्हें? किसी को नहीं आता। एक एक शब्द मैंने लिखा है, दिखाऊंगा तुम्हें, वही हुआ है जो मैंने लिखा है। तुमने यकीन कैसे किया शौकत? मैंने मेरी मंजिल लिखी, मैंने मेरी मंजिल लिखी है, तुम्हारी भी लिखी है मैंने। एक मिनट, कहाँ गया वो पन्ना, कहाँ गया वो पन्ना, कहाँ गया वो पन्ना? अंतरा, अंतरा वही हुआ है जो मैंने लिखा है, वही हुआ है। अंतरा, अंतरा तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना, ढूंढो ना मेरे साथ, कहाँ वो पन्ना, हाँ कहाँ वो पन्ना, कहाँ वो पन्ना, कहाँ वो पन्ना, कहाँ वो पन्ना, एक एक शब्द मेरे लिखा है, हाँ कहाँ वो पन्ना, कहाँ वो पन्ना, कहाँ, इधर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, एक मिनट, कहाँ वो पन्ना? यही तो था, कहाँ है वो, ढूंढो ना उसे, कहाँ है वो पन्ना? यश के साथ, यश के साथ वही होगा जो मैंने लिखा है, मेरे साथ भी वही होगा जो मैंने लिखा है। एक शब्द मैंने लिखा है, एक शब्द, मेरे शब्द, मेरे शब्द सब सच है, सब सच है। ये क्या हो रहा है? क्या होगा, क्या होगा? यश नहीं मरा है। ढूंढो ना इसे, ढूंढो ना इसे। एक एक शब्द मैंने लिखा, एक एक मैंने लिखा, एक एक शब्द
मैंने लिखा एक एक शब्द, मैंने लिखा क्या मैं शब्दों से हार जाऊंगी? शब्दों ने जो तुम्हारा अंत लिखा है वो सच नहीं हो सकता। मेरे विश्वास को जीतने दो प्लीज शौकत। अंतरा, 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 मिला तुम्हें? हाँ, आखिरी पन्ना मिला? ढूंढो अंतरा, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। अभी तक जो मैंने लिखा है ना सब सच हुआ है, ये भी सच हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। शब्दों में बहुत ताकत है अंतरा। शौकत, शौकत होश में आ जाओ। सारी रात ढूंढता रहा, सारी रात ढूंढता रहा। I want to change the end. मैं दोबारा लिखना चाहता हूं। मैं किसी को मारना नहीं चाहता। तुमने किसी को नहीं मैं यश को मारना नहीं चाहता। नहीं शौकत, शौकत तुमने किसी को नहीं मारा। मेरी तरफ देखो, तुमने किसी को नहीं मारा है। मैं उसे मारना नहीं चाहता था लेकिन यश मर गया। तुमने उसे नहीं मारा है, मार नहीं सकते। कहानी आखिर कहानी होती है, जिंदगी नहीं। मैंने तुमसे कहा था लेट गो, लेट गो। लेकिन तुमने अपने आप को रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं कहा स्टॉप इट, स्टॉप इट? क्यों नहीं कहा आई लव यू डैम इट? पर मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं कुछ होने नहीं दूंगी शौकत, कुछ नहीं होने दूंगी। ढूंढो उसे, मैं उसे जला देना चाहता हूं। तुम क्यों नहीं सुन रहे हो? यश नहीं मरा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? लेकिन तुमने उसे प्यार क्यों किया? I love you. I love you, damn it. I love you, शौकत। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ढूंढो उसे, मैं उसे जला दूंगा, मैं उसे जला दूंगा। ढूंढो उसे, मैं उसे जला दूंगा। ढूंढो उसे, ढूंढो उसे। अंतरा, देखो अंतरा, देखो मेरा भविष्य, वो आ रहा है। नहीं शोक, नहीं शोक, नहीं शोक, रोको उसे। मैं नहीं जाना चाहता। रोको उसे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं नहीं जाना चाहता। कुछ नहीं होगा तुम्हें शोक, सच्चाई शब्दों की ताकत। जो मैं लिखता हूं वही सच हो जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ जो मैंने लिखा। कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस क्यों? जो मैं सोचूंगा वही होगा। सुना तुमने? मौत, मौत, मौत होगी तेरी। Shut up! एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। Leave me alone.
एक मिनट। ओके ओके लीव इट लीव इट लीव इट लीव इट नो नो पूछो अंतरा से, जो मैं लिखता हूं वही होता है। शब्द जीत गए, शब्दों ने शौकत को मुझसे छीन लिया, पर मैंने हार नहीं मानी, मैं उन्हें यहां ले आई। देखा अंतरा, शब्दों की ताकत, मैंने अपने शब्दों से सब सच कर दिया है। Welcome to Shaukat's world. They wanted to see reality, na? मैंने दिखा दी reality. चलिए Shaukat. Shaukat विशिष्ट. Okay. तमन्ना? आई. तमन्ना तुम आ गई? अंतर मुझे घर ले चलो ना, मेरा दिल नहीं लगता यहाँ. Shaukat, come on. आप घर लौटेंगे. मैं आपको ले आऊंगी, I promise you. Don't disturb me, doctor. Okay, relax, relax, Shaukat. तमन्ना, बता दो उन सबको, जो मैं लिखता हूँ वो सब सच होता है, होता है ना? तुम रो रही हो अंतरा, मत रो। रो मत, हंस कर दिखाओ, खुल कर, खेल कर। हाँ, ये कहानी खत्म नहीं हुई, नहीं हुई ना अंतरा? कम कम चलो, कम कम अंतरा। रिलैक्स, मैं भी चिल्लाता हूं इस कॉरिडोर में, अंतरा 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 अंतरा। देखा अंतरा? एक मिनट अंतरा, तुम आखिरी बार मेरे साथ नाचोगी? विल यू हैव द लास्ट डांस विद मी प्लीज अंतरा? लो शुरू अब चाहतों का सिलसिला हो रहा है, मिट रही है दूरियां और फासला खो रहा है। संभल कर थाम लो पल, देखो वो खो रहा है। लो शुरू अब चाहतों का सिलसिला हो रहा है, मिट रही है दूरियां और फासला खो रहा है। हो रही है बात कुछ ऐसी जिसमें, हो रही है ऐसी जिसमें शब्द गुम है अर्थ मतलब चुपके से खो रहा है। लौट आना शौकत, तमन्ना और यश की कहानी खत्म, एक नई शुरुआत, कुछ नए शब्द तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।